प्रमोटर्स ऑफ सोशल कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष नरेश कुमार कौंडल की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी संस्था प्रदेश में पहला फिल्म एवं एंटरटेनमेंट अवार्ड समारोह आयोजित करने जा रही है, जिसमें हिमाचली कलाकार जो प्रदेश का नाम देश में ऊंचा कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके उत्थान के प्रदेश में संभावनाओं की कमी है। इस कारण उन्होंने नवगठित सरकार से अपील की है कि प्रदेश के किसी भी प्रकार के कलाकारों के भविष्य के बारे में कोई ठोस रणनीति बनाई जाए, ताकि कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए प्रदेश से बाहर ना जाना पड़े। अध्यक्ष नरेश कुमार कौंडल ने इस मौके पर बताया कि प्रदेश में हिमाचली कलाकार बॉलीवुड की तरह भाग ले रहे हैं, लेकिन हिमाचल की बहुमूल्य संस्कृति आज बॉलीवुड के कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और यही वजह है कि आलमगीर खान जैसे बॉलीवुड के कलाकार हिमाचल बोली में अपना गीत लेकर आ रहे हैं। ये हिमाचल और हिमाचल वासियों के लिए हर्ष का विषय है। इससे जहां एक और हिमाचल का मान बढ़ेगा, वहीं हिमाचली कलाकारों को प्रेरणा भी मिलेगी। यहां तक देखा जाए हिमाचल के जितने भी कलाकार हैं वो आज हिमाचल के कल्चर को छोड़ के बॉलीवुड के सॉन्ग गा रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो बॉलीवुड के सिंगर हैं जैसे आलमगीर खान हैं, वो हिमाचल की तरफ उन्होंने अपना झुकाव किया है, हिमाचली फोक गा रहे हैं। तो अच्छी बात है युवाओं के लिए कि बॉलीवुड के जो सिंगर है वो यहाँ आके हिमाचल में आके हिमाचल की तरफ रुझान कर रहे हैं, तो हिमाचल में रहकर हिमाचल के लोग क्या नहीं कर सकते।